किया धोखा। देखिए ये केवल ये दिया है, एक वाउचर, एक बिल और कितनी पुरानी ट्रे है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी गंदी है। बिल में कुछ समझ में नहीं आ रहा, गिलहरियाँ सुबह सुबह मस्ती करते हुए अपना अपना खाना ढूंढते हुए, और बंदर भी हैं लेकिन अभी दिखाई नहीं देंगे, वो अभी दूर हैं, आने वाले हैं बंदर। इधर बड़ा मज़ा आता है जब ये लोग ऊधम मचाते हैं। नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, अब मैं निकलता हूँ यहाँ से दुकान, तो आज हम लेके जाएंगे गाड़ी को, और इस गाड़ी के साथ जाएंगे क्योंकि अभी पापा जी बाइक लेके गए हैं, तो अभी मैं जाऊंगा इस गाड़ी को लेके दुकान, फिर दुकान से देखते हैं जब पापा आएंगे तब वो गाड़ी बाइक देके और चले जाएंगे और गाड़ी ले जाएंगे। निकलते हैं बाहर, तेरी हर खुशी। अरे यार शीशा तो बहुत गंदा है, सफाई भी करनी पड़ेगी। चलो बाहर भी गंदी है गाड़ी, देखिए बंदरों ने गंदी कर दी है। हमारे यहाँ सुबह सुबह बंदर जो आते हैं ना बहुत परेशान करते हैं। चलो तो मैं साफ सफाई करके आपसे मिलता हूँ। इसे साफ कर लिया है तो अब गाड़ी को बाहर निकालना है। मैं शीशा खोल लेता हूँ अपना, शीशे से ही देखना पड़ेगा। गाड़ी चालू, चलते हैं बाहर की तरफ। चलो पीछे वाले शीशे में देखते हैं, पीछे एक गाड़ी खड़ी हुई है। मेरे को लगता है मेरे गाड़ी में हॉर्न भी बजता है। गाइस तो चलते हैं। नो 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 गाइस, नहीं हो तुम लोग मेरे भाई हो। अरे यार गेट बंद ही है, मैं गाड़ी ले आया तो मुझे ही जाके गेट भी खोलना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था अभी दुकान पे जा रहा हूँ, तो मैं अभी आ चुका हूँ दुकान पर, आपको एक बार मैं दिखा भी देता हूँ दुकान। ये देखिए ये हमारे LED चल रही है, सुबह सुबह गाने चल रहे हैं, और ये मेरा रोड है। तो अभी तो मैं दुकान पे आ चुका हूँ, अब हम देखते हैं अभी दिन में कहीं जाना होगा तो मार्केट में जाएंगे या माल लेने के लिए जाएंगे तब मिलेंगे आपको। और आज एक पार्सल भी आने वाला है तो हम लोग पार्सल को भी देखेंगे कैसा, उसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता। मेरे मामा जी ने ऑर्डर किया था तो वो आज आने को है, देखते हैं और फिर मिलते हैं आपको पार्सल के टाइम। तो जैसा कि हमारा अमेज़ॉन का पार्सल आ चुका है और अब हम देखते हैं खोल कर क्या है। तो अभी हम खोल रहे थे, देखते हैं खोल कर उसका या टेप है, कहाँ से मैं खोल नहीं पाऊँगा, कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चलो ठीक है। बिल में कुछ समझ में नहीं आ रहा, यूज करी भी टीम है, यूज करी भाई है, हाँ जे वाली जो हिल रही है नेक्स्ट, मतलब जेन पे आगे से, और जे तो कोई इतनी बबलिंग ना कर रही, और गंदी इतनी है हिसाब से लग रही पुरानी है, मट्टी भरी है, मेरी मट्टी भरी कौन है रिप्लेस के लिए डारो ऑर्डर सर दूसरी है। किया धोखा, देखिए ये केवल ये दिया है, एक वाउचर, एक बिल और कितनी पुरानी ट्रे है, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी गंदी है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भोगांव यानी अपने शहर से 15 किलोमीटर दूर, और मैं देख जा रहा हूँ
फिलहाल मैं वैंकूवरी शहर के बाहर ही निकल आया हूँ, थोड़ा और रह गया, उसके बाद एकदम गांव जैसे चालू हो जाएंगे। देखिए नज़ारे, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ खूबसूरतियाँ। देखिए ये टाटा, क्या नाम पकड़ रही है, टाटा टियागो। देखिए नहीं जा रही है, टेम्परेरी नंबर भी है, वो भी यहाँ का नहीं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... बिजली घर, अगर आप हम मैनपुरी से भवाओं आते हैं तो रास्ते में ये पड़ेगा, आपको मिलेगा। अभी बिजली घर काफ़ी बड़ा है और अपने यहाँ की बहुत फेमस जगह है, और यहाँ पे एक मेला भी लगता है रोई का बाजार, जहाँ पे जानवरों का मेला लगता है बहुत। और आज संडे है, अगर कल मंडे होता, मंडे को नहीं, मंगलवार को लगता है यहाँ पे मेला, अगर मंगलवार को ट्यूसडे को यहाँ पे मेला लगता है, और उसमें जानवरों के आते हैं, बहुत ख़रीदार भी आते हैं, निरे बेचने वाले आते हैं, बहुत मज़ा आता है। फिलहाल हैं अपने घर लौट के वापस जा रहे हैं। अब ये देखिए पावर हाउस का मेन गेट, पावर ग्रैंड। अभी मैं रुका नहीं हूँ, रास्ते में हूँ, घर वापस जा रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा एकदम पॉपुलेशन बाहर की तरफ आ गई है, रोड की तरफ, पहले गांव की तरफ जो लोग रहते थे, तो अब जो लोग आ चुके हैं। चलिए अब आपको एक और अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, वो है हमारे यहाँ का टॉप स्कूल जो आने वाला है अभी मैनपुरी में, सबसे नंबर वन पे क्या है कह सकता हूँ मैं कि हाँ नंबर वन स्कूल है सेंट थॉमस के नाम से, और वो बिल्कुल हमारे शहर से बाहर है। और ये छोटे बच्चों वाली बिल्डिंग अभी आ गई है, बड़े बच्चों के लिए अंदर है, दो बिल्डिंग है। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है, गाड़ी खड़ी है, वहाँ से स्टार्टिंग हुई है। अब आप देखिए, देखते जाइए, देखिए क्या बिल्डिंग है, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी किया है। सामने ये होटल है, और हमारे यहाँ की जेल भी यही है मैनपुरी की, सब बाहर ही है बिल्कुल। अभी मैं दिखाता हूँ आपको जेल की दीवार है, जो दीवार है वो यहाँ पे पास में ही है। ये देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है जेल की, ये है जेल, इसे नाम से जैसे जाना जाता है, इसे नदी का पुल। देखिए अभी मैं दिखाता हूँ, ये रहा पुल, लेकिन ये अभी सूखा चल रहा है। और ये रहा होटल मैनपुरी का एंट्रेंस, आते ही सीधे बी बाजार में आइए, वहाँ पे और भी शोरूम है कपड़े के हैं, होटल भी है, आराम से रहिए, रुकिए, मजे लीजिए।